यूनाइटेड नेशंस में भी मैं सीए के मुद्दे को एनपीआर एनआरसी को वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम वॉशिंगटन में भी हम लोगों ने ये बात की है, यूरोपियन यूनियन में भी ये बात की है, क्योंकि भारत में आज हम लोग तो बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ के जो सरकार है ये थोड़ी बहरी हो चुकी है, इसलिए उनको हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही, अंधे हो गए हमारा ये आंदोलन नहीं दिख रहा। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोगों का इस देश के मुसलमान, जैसे आपने बताया कि आज ये आज का नहीं है दौर, आज ये जो सीए एनआरसी एनपीआर आने जा रहा है, यहां से सबसे पहले मुस्लिम नहीं प्रताड़ित होने वाला, एनआरसी से सबसे पहले अगर किसी की नागरिकता जाएगी तो वो हिंदुओं की जाएगी। आज इस देश में 1971 के कागजात किसके पास है, 21 मार्च 1971 के पहले के क्या डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी कि उस समय का आपके पास बैंक का पासबुक होना चाहिए, उस समय 1971 के पहले का इलेक्ट्रॉल रोल वोटर लिस्ट उसमें आपका नाम, आपके पिताजी का, आपका दादाजी का, किसी का भी नाम हो वो आपको दिखाना है, उस समय का लैंड रिकॉर्ड चाहिए। अब ये सारी कागजात क्या सिर्फ मुसलमानों के पास नहीं है, ये कागजात आज आदिवासी के पास नहीं है, शेड्यूल कास्ट के पास नहीं है, जो खुद को हिंदू समझते हैं वो उनके पास भी नहीं है। और इसलिए मैं आप लोगों का इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हिंदुओं के अधिकार के लिए आज इस देश में मुसलमान रस्ते पर बैठा है। ये काम सिर्फ भारत में देखने को मिलेगा, भारत में देखने को मिलेगा, और इसलिए वो भारत जो बाबा साहब ने इस देश को संविधान देकर सेक्युलर इंडिया का सपना बाबा साहब ने देखा कि किसी जाति किसी धर्म का ये देश नहीं होगा, सभी लोग इस देश में रहेंगे। आज 7,500 जातियों से ऊपर इस देश में लोग रहते हैं, 17-18 हजार जातियों उपजातियों के समूहों के लोग इस देश में रहते हैं, और 100 किलोमीटर के बाद लोगों की भाषा बदलती है, इतने सारे स्टेट्स है। साउथ में जाता हूं तो मुझे वहां पर ट्रांसलेटर रखना पड़ता है, जो मैं इंग्लिश में हिंदी में बात करता हूं वो अपने भाषा में समझाते हैं, इतने सारे देश 132 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, आज तक ये इस देश में इकट्ठा रहते हैं, वो बाबा साहब के संविधान की वजह से आज इस देश में सभी लोग इकट्ठा रह रहे हैं। और आज मैं तहे दिल से बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार का एक सदस्य होने के नाते मैं इस देश के मुसलमानों को, केवल पंजाब के शाहीनबाग के नहीं, लुधियाना के शाहीनबाग के नहीं, मैं दिल्ली के शाहीनबाग में 3-4 बार जाकर आया हूँ, मैं हर एक शाहीनबाग जहाँ पर है सभी जगह पर जाकर आया हूँ, और सभी देश के मुसलमानों का मैं तहे दिल से नतमस्तक करता हूँ कि बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए आज आप लोग पिछले 100 दिनों से आज रास्तों के ऊपर हमारे माता बहने और बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे पास भी समय नहीं है लेकिन मैं आज हम लोग प्यार बांटने का काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं मोदी जी, मैं उम्मीद करता हूं अमित शाह जी से, कपिल मिश्रा जी से, कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इनके दिलों में जो नफरत है, इनके दिलों में जो आज एक समूह के प्रति बहुत बड़ी नफरत पैदा हो गई है, मैं प्रार्थना करता हूं जिन जिन लोगों को, जिन महापुरुषों को हम लोग मानते हैं, उनके सामने प्रार्थना करता हूं कि ये जल्दी से जल्दी इन मानसिक बीमारी से बाहर आ जाए। मैं इनसे प्रार्थना करता हूं कि ये देश किसी एक रंग में रंगने की कोशिश ना करो, ये देश का जो झंडा है, ये इस देश का नेशनल फ्लैग है, ये सभी देश के लोगों का है। और आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आज ये देश का मुस्लिम, आज इस देश के तिरंगे को बचाने का काम आप लोग कर रहे हो, इस मोमेंट में हम लोग आपके साथ है, बाबा साहब का परिवार आप लोगों के साथ है, और इस आंदोलन को हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग कहते हैं, क्योंकि देखो आज मैं कोई बयान नहीं देना चाहता कि देश में जो माहौल बन रहे हैं, जो दिल्ली में चल रहा है, ये सारा कुछ हम लोग चाहते हैं कि इस देश के सारे लोग चैन से रहे, अमन से रहे, अपने अपनी नौकरी, अपने बिजनेस, अपना काम करें, लेकिन हम लोग पिछले 100 दिनों से ऐसा कानून बना दिया है कि हम हमारे काम छोड़कर इस कानून को बचाने में लगे हुए, इस कानून को हटाने के लिए लगे हुए हैं। ये कानून देखो, आज अगर हम लोग पूरे देश के लोग, आज केवल एक जाति एक धर्म के नहीं,
पूरे देश के लोगों ने अगर इस कानून को नहीं हटाया, नहीं अगर इसको रद्द करवाया, तो आगे चलकर हमारी नागरिकता ये रद्द करने का काम करेंगे। मैं आप लोगों को पूछता हूँ, अभी 2019 में इस देश में इलेक्शन हुई, बीजेपी की सरकार सत्ता में आई, इलेक्शन लेते समय आधार कार्ड चल रहे थे, आधार कार्ड दिखाकर वोट दिया आप लोगों ने, इलेक्शन कार्ड दिखाकर वोट दिए, राशन कार्ड दिखाकर वोट दिए। हमारे मुंबई में जिसके पास राशन कार्ड नहीं है वो ट्रेन का पास दिखाकर, मंथली पास बनता है, वो दिखाकर भी वोट दे रहा था। यानी वोट लेते समय हमारा राशन कार्ड चल रहा है, आधार कार्ड चलता है, इलेक्शन आईडी चलता है, ये सारे डॉक्यूमेंट चल रहे थे। लेकिन आज जब नागरिकता देने की बात आ रही है तो इस देश के गृह मंत्री कहते हैं कि आधार कार्ड नहीं चलेगा, इलेक्शन आईडी नहीं चलेगा, राशन कार्ड नहीं चलेगा, पासपोर्ट नहीं चलेगा। तो मैं पूछता हूं, इलेक्शन के समय हमारा वोट लेने के लिए ये सारे कार्ड चल रहे थे और आज नागरिकता देने की बात आ रही है तो ये कार्ड नहीं चलेंगे, ऐसा आपका कहना है, तो हम भी इस बात को मानने को तैयार है कि ठीक है हमारे ये कार्ड नहीं चल रहे हैं, तो इस कार्ड के बलबूते पर आप लोगों को जो वोट दिए हैं और वो वोट देने से आपने जो सत्ता बनाई है, पहले इसको बर्खास्त करवाओ और फिर हमारे कार्ड बर्खास्त करने की मांग करो। अगर हमारा कार्ड नहीं चलता तो आपकी सत्ता भी नहीं चलनी चाहिए जिस कार्ड के ऊपर से आपकी सत्ता बनी है। तो ये पहले आपकी सत्ता बर्खास्त कराओ, गवर्नमेंट से इस्तीफा दिलवाओ, फिर से इलेक्शन करवाओ और देखते हैं आप लोग सत्ता में आते हैं या सत्ता के बाहर फेंके जाते हैं। और इसलिए मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आज मोदी जी के रहे और मोदी जी का भी अभी बयान आया है और अमित शाह जी का बयान है कि हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। हम भी कहते हैं कि आप इंच पीछे हटो या नहीं हटो, हमको उससे लेना देना नहीं है, लेकिन जब तक सीए एनआरसी एनपीआर इस देश से रद्द नहीं होता हम एक बार भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये शाहीन बाग केवल लुधियाना और दिल्ली तक मर्यादित नहीं होगा, अब पूरा भारत शाहीन बाग होगा। ऐसा काम हम लोग पूरे भारत में इन लोगों को आज अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई। कल देखो हम लोग ऑस्ट्रेलिया में बारिश हो रही थी और बारिश में हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो कोई छाता लेकर आ गया और मुझे कहता कि सर आप भीग जाओगे, आप छाते में आ जाओ। मैंने छाता हटाया और उसको कहा आज अगर हम पानी में नहीं भीगे तो कल हमको खून में भीगना पड़ेगा और इसलिए आज हम पानी में भीगने को तैयार हैं। आज भूखे रह लेंगे, आज हमारे बच्चे रास्तों पर अपनी स्कूल छोड़कर यहाँ पर बैठ लेंगे, अगर आज नहीं बैठे तो कल को हमारे स्कूल बंद हो जाएंगे, हमारे किचन बंद हो जाएंगे, तब क्या खाओगे। आज अगर अपनी आजादी आप नहीं बचा सके तो आने वाले समय में गुलामी में फिर से चले जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से ये विनती करूंगा पूरे संवैधानिक माध्यम से उसी शांति के तरीके से हम लोगों को ये आंदोलन करना है। कोई भी हिंसा और कोई भी हिंसा करने वाला हमारे आंदोलन में अगर घुसेगा, ये सरकार और पुलिस यहाँ पर है, वो उसको सजा दे या नहीं दे, उसको सबसे पहले सजा हम देंगे। ऐसा कानून, ऐसा आंदोलन हम लोगों को चलाना है। ऐसा आंदोलन आप लोग चलाओगे, मेरी आप लोगों के इस आंदोलन में पूरी तरह से मेरा इन्वॉल्वमेंट होगा। जब भी आप बुलाओगे तब मैं आ जाऊंगा। एक्चुअली मेरा कल एक प्रोग्राम था, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा है, तो आप लोग ये आंदोलन कीजिए और बाबा साहब के इस संविधान को बचाने के मोमेंट में आप सभी लोग ये मोमेंट को साथ सहयोग दीजिए। इतना ही कहता हूँ, जय भीम जय भारत। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो।